स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा था, तो शॉर्ट सा मैं आप लोगों को वो बता दूं कि जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया में हमने ये देखा था कि हीमोफीलिया जो है वो कलर ब्लाइंडनेस वो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, मीन के आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था कि जो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस फैशन में ट्रांसफ़र होते हैं, मीन मेटरनल ग्रैंड फादर टू हिज डॉटर टू हिज ग्रैंड सन। ठीक है, कि मीन वो ट्रांसफ़र होते हैं क्रिस क्रॉस फैशन में, लेकिन जो वाई लिंक ट्रेट्स होते हैं वो डायरेक्टली पास होते हैं फ्रॉम फादर टू सन। बच्चों, आज हम लोगों ने जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस को देखना है, तो पहले कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। कलर ब्लाइंडनेस में हम ये कहते हैं कि एक पर्सन अ पर्सन हु कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी कलर्स। ठीक है बच्चों, के वो वाला पर्सन जो के प्राइमरी कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता उसको हम कहते हैं कि इसको कलर ब्लाइंडनेस है। बच्चों याद रखें, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं उनका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक जो हम कहते हैं ना, बेसिक तीन टाइप के कलर्स होते हैं। ठीक है, वो होते हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू। रेड ग्रीन और ब्लू, ये हैं तीनों प्राइमरी कलर। ठीक है, वो पर्सन जो प्राइमरी कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हम कहते हैं उसको है कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, प्राइमरी कलर है रेड है ग्रीन है और ब्लू है। और बच्चों ये याद रखें कि प्राइमरी कलर्स जब इकट्ठे होते हैं, जब उनको हम इकट्ठा करते हैं तो नेक्स्ट उससे सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये तीन कलर्स होते हैं, जिस तरह से आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, कि जैसे बेस यूनिट से नेक्स्ट डिराइव्ड यूनिट्स निकलते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्राइमरी कलर से नेक्स्ट सेकेंडरी कलर निकलते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस को, तो हम कहते हैं कि जो ट्राइक्रोमेटिक कलर वियन होती है उसकी बेस होती है कि रेटिना में जो डिफरेंट काइंड के कौन सेल्स होते हैं वो इन प्राइमरी कलर्स को। बच्चों ये याद रखें आप लोग के आई में, आई के अंदर एक ऑर्गन है रेटिना। ठीक है, ये रेटिना क्या करता है, ये जो कलर्स होते हैं इनको परसेप्ट करता है। ठीक है, परसेप्शन इससे कलर की होती है रेटिना से। ठीक है, कहते हैं कि एक नॉर्मल जो ट्राइक्रोमेटिक, ट्राई मीन थ्री, ठीक है, क्रोमेटिक हम कह सकते हैं कि वो जो कॉर्न सेल्स होते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, रेटिना में जो कॉर्न सेल हैं वो ये तीन कलर्स को पहचान नहीं रहे हैं, रेड को, ग्रीन को और ब्लू को। ठीक है, तो उनको जिस वजह से हम कहते हैं कि उसको है कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, हर टाइप का कौन सेल जो होता है वो स्पेसिफिक लाइट अब्जॉर्बिंग प्रोटीन को करता है। ठीक है, एक उसके पास स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसको हम ऑप्सिन कहते हैं। बच्चों ये बात आप लोगों ने प्रीवियस जो क्लासेज हैं, मीन नाइन्थ क्लास में भी आप लोगों ने ये देखा था कि हर कलर के लिए एक अलग से एक प्रोटीन वगैरह, ठीक है, आई के अंदर होती है। ठीक है, जो कि उस कलर को डिफरेंशिएट करती है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो प्राइमरी कलर्स हैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए रेटिना में एक प्रोटीन है जिसका नाम है ऑप्सिन। ठीक है, ये ऑप्सिन प्रोटीन क्या करती है, ये ऑप्सिन प्रोटीन इन कलर्स में डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, हेल्प इन डिफरेंशिएट दीज कलर्स। ठीक है, तो ये जीन्स होते हैं जो रेड ग्रीन ऑप्सिन के, वो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, लेकिन
जो जीन ब्लू ऑप्शन का होता है वो ऑटोसोम नंबर 7 पे होता है। ये बात याद रखने वाली है कि जीन रेड और ग्रीन ऑप्शन के एक्स क्रोमोसोम पे हैं, ठीक है, रेड और ग्रीन के, ये कहाँ पे हैं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, रेड और ग्रीन कलर के ऑप्शन मौजूद हैं एक्स क्रोमोसोम पे और ब्लू के ऑटोसोम नंबर 7 पे मौजूद हैं, ठीक है, ऑटोसोम नंबर 7 पे मौजूद हैं। म्यूटेशन अगर इन ऑप्शंस में आ जाती हैं जिसकी वजह से इन्हीं अगर इन ऑप्शन जीन में म्यूटेशन आ गई है तो उस वजह से क्या होगा कि इन में उस पर्सन में कलर ब्लाइंडनेस होगी, वो इन तीन कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकेगा, ठीक है। एक डाइक्रोमेट, इसी तरह से हम कहते हैं डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट क्या कहता है, डाइमीन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ट्राइमीन 3, ठीक है, ट्राइक्रोमेट होता है 3 कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, ठीक है, और डाइक्रोमेट डाइमीन 2, ठीक है, तो ये क्या कहता है, 2 कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, ठीक है, और मोनोक्रोमेट वो होता है जो एक कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता किसी एक में, ठीक है, टोटल ये है 3। तो यहाँ पे जो आ जाती है ये क्या करते हैं कि डाइक्रोमेट उस कलर को डिफरेंशिएट नहीं करेगा, उस कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकेगा जिसके ऑप्शन में म्यूटेशन आ गई थी, ठीक है। प्रोटोनोपिया, इसी तरह से अब नेक्स्ट जो है हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस में इनकी टाइप्स आ जाती हैं, प्रोटोनोपिया, ड्यूटोरोनोपिया एंड ट्राइटानोपिया, ठीक है। प्रोटोनोपिया जो है ये रेड कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, ड्यूटोरोनोपिया ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं रेड के लिए है प्रोटोनोपिया, ठीक है, ग्रीन के लिए है ड्यूटोरोनोपिया, ये याद रखना है, यहाँ पे MCQs आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कि डिफरेंस करें प्रोटोनोपिया एंड ड्यूटोरोनोपिया में या ट्राइटोनोपिया में क्या डिफरेंस होता है और ड्यूटोरोनोपिया में, ठीक है, या इसमें से MCQs आ सकते हैं, तो ये बातें याद रखने वाली हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तो आ जाता है कि कुछ पीपल्स रेड और ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि इस तरह के जो रिलेटिव शेड्स होते हैं, मीन के बेसिक कलर देखें रेड और ग्रीन है ना अगर, ठीक है, तो इन कलर्स को इससे कोई मिलता जुलता कलर वो कर सकेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। यहाँ पे देखें वो पर्सन जो कि हम कह सकते हैं कि कुछ कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, या हम कह सकते हैं कि वो पर्सन जो कि रेड और ग्रीन को नहीं कर सकता डिफरेंशिएट, लेकिन वो इसके रिलेटिव शेड्स जो होते हैं ना, ठीक है, उनको वो परसेप्ट कर सकता है, ठीक है। ये अब नॉर्मल होते हैं लेकिन उनके जो ऑप्शन होते हैं वो पार्शियली फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना ऑप्शन बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे, तो फिर ये बिल्कुल उसको रेड ग्रीन ब्लू कलर नज़र नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन पार्शियली, पार्शियल का मतलब होता है हाफ, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर वो काम कर रहे हैं तो ठीक है, फिर उसको इस ये रेड और ग्रीन बिल्कुल वाजिया तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इसके रिलेटिव शेड्स नज़र आ रहे हैं, वो वाले बंदे अब नॉर्मल नहीं होते, ठीक है। अब हम उनको कह सकते हैं कि वो हैं प्रोटोनोमेलस, ठीक है, और ड्यूटोरोनोमेलस हैं रेड और ग्रीन कलर वीकनेस के लिए, ठीक है। मोनोक्रोमेट सिर्फ एक कलर में डिफरेंशिएट कर सकता है, अभी मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। अब मोनोक्रोमेसी क्या है, ये ट्रू कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ब्लू कौन होते हैं जो मोनोक्रोमेसी के, ये क्या है, एक एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स है जिसमें दोनों रेड और ग्रीन कौन सेल्स एब्सेंट होते हैं, ये बात याद रखें बच्चों। हमने ट्राइटोनोपिया को देखा, हमने ड्यूटोरोनोपिया को देखा, तो ट्राइटोनोपिया में तीनों कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, डाइक्रोमेट में वो दो कलर्स को नहीं कर सकता, हो मोनोक्रोमेसी में वो कर सकता है एक कलर को डिफरेंशिएट, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखें, हमने दो की तो बात की है कि वो वाला पर्सन जिसमें इस ऑप्शन जिसका पार्शियली फंक्शन कर रहा है,
ठीक है, तो उस वो रेड और ग्रीन कलर के रिलेटिव शेडिंग उसको नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम मोनोक्रोमेसी को देखते हैं तो मोनोक्रोमेसी का हम कहते हैं कि मोनोक्रोमेट जो होते हैं उनमें ट्रू कलर ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। अब चूंकि ये देखें एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, इट्स मीन के जब ये रिसेसिव फॉर्म में आ रही है तभी अपना एक्सप्रेशन शो कर रही है। ठीक है, इसमें टोटली ग्रीन और ये जो रेड है इसके कलर जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन जीन्स होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इस वजह से हम इनको कह सकते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब देखें बच्चों ये भी जिस तरह से आप लोगों ने हीमोफीलिया की जेनेटिक्स देखी थी उस तरह से यहाँ पे भी यही बात है कि चूंकि देखें ये हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट हैं। मैंने अभी आप लोगों को ये बताया कि जब ये रिसेसिव फॉर्म में होगी तभी ये अपना एक्सप्रेशन शो करेगी। ठीक है, तो अगर हम कलर ब्लाइंडनेस की जेनेटिक्स बताते हैं तो उसमें भी यही है कि ये एक्स, चूंकि ये एक्स लिंक्ड है तो हमें पता है कि एक्स लिंक्ड ट्रेट्स ये क्रिस क्रॉस फैशन में आती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, मीन के डायरेक्टली फादर टू सन पास नहीं हो रही हैं, बल्कि क्या हो रहा है ये मटर्नल ग्रैंड फादर टू हिज डॉटर टू हिज ग्रैंड सन, इस तरह से ये ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, तो इनका इसका जो कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, और जो हीमोफीलिया है दोनों की जेनेटिक्स एक ही है, दोनों में एक ही तरह से ये ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब कलर ब्लाइंडनेस ये भी मेन में ज़्यादा होती है देन वुमेन से। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि जो मेल है उसके अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं फीमेल की निस्बत। बच्चों आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को भी गौर से सुना है, वहाँ पे भी हम लोगों ने ये बात की थी हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी मेंस में ज़्यादा है होता है देन वुमेंस। ठीक है, मीन कि ये अफेक्ट मेन को ज़्यादा करता है देन वुमेन से। तो बच्चों जो है ना कलर ब्लाइंडनेस भी ये भी मेन में ज़्यादा होती है और वुमेन में कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो मेन होते हैं उनके पास देखें एक एक्स ट्रेट है, एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, इसकी लॉजिक आप लोगों को, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक है, अब इसके पास देखें इसमें जो मेन है उसमें अफेक्ट होने के चांसेस इस वजह से ज़्यादा हैं क्योंकि इसके पास ये एक्स जीन है, इसके ऊपर ही जीन्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये रिसेसिव में है या डोमिनेंट फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी आ रहा है वो एक्सप्रेस होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं फीमेल्स में, फीमेल्स में अगर एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है तो ये क्या होगा, ये तो हेट्रोजाइगस है। ठीक है, इसके पास तो एक हमने कैपिटल एच में लिखा और एक स्मॉल में लिख दिया, मीन कि जो डोमिनेंट होगा वही अपना एक्सप्रेशन शो करेगा। ठीक है, तो चांसेस एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव ट्रेट्स हैं, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस के और हीमोफीलिया की जो आ जाती हैं ट्रेट्स, ठीक है, इनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं मेन, ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और देन वुमेन से। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों आज हम लोगों ने कलर, जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा है। जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस में मैंने आप लोगों को बताया कि वो पर्सन जो थ्री प्राइमरी कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता उसको हम कहते हैं, उसको कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा कि जो ट्राइक्रोमेट होते हैं उनकी जो आई है, ठीक है, मीन के एक पर्सन हम कह सकते हैं उसके आई में देखें रेटिना होता है, रेटिना एक आगे होता है, रेटिना से में ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन जीन्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन एक प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि अगर हम जीन्स की बात करते हैं तो जीन्स बेसिकली बिलोंग करते हैं डीएनए से, डीएनए के से मिलकर बना हुआ प्रोटीन है, प्रोटीन से भी मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ऑप्शन अगर ठीक तरह से काम कर रहे हैं, उनमें म्यूटेशन नहीं है, तो देन वो बंदा रेड ग्रीन और ब्लू कलर में डिफरेंशिएट कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगर रेड कलर ब्लाइंडनेस है तो हम उसको प्रोटोनोपिया कहेंगे, ग्रीन कलर है तो उसको ड्यूटेरोनोपिया कहेंगे, ब्लू कलर है तो उसको हम ट्राइटोनोपिया कहेंगे। ये भी याद रखें कि रेड और ग्रीन कलर के ऑप्शन होते हैं एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ब्लू कलर के होते हैं ऑटोसोम नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, और मोनोक्रोमेट जो होता है वो एक कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। मोनोक्रोमेट कैसी, मोनोक्रोमेसी एक ट्रू कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, इसमें पर्सन एक कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता और इसको हम ये कह सकते हैं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, ये क्रिस क्रॉस फैशन में ट्रांसफ़र होती है। बच्चों इसके बाद हम लोग अभी हमारे जो दो लेक्चर थे वो थे
एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो आ जाते हैं ट्रेट्स वगैरह, ठीक है, इनहेरिटेंस जो आ जाती है उसको हम देखेंगे, ठीक है। इस लेक्चर को भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।